लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो शाम को आइए ना हमारे घर, दर्शन प्रसाद पानी। हमारे यहाँ गणपति 5 दिन का होता है, कभी भी आइए। मैं कोशिश करूंगा। हाँ, और मिस्टर वर्मा, इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ, छोटे लाल के बारे में याद है ना आपको? हमारे चेयरमैन साहब का तो ख्याल था कि वो खत्म हो गया, वो अभी अभी एक इन्फेक्शन से ठीक हुआ है, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि उसे अस्पताल में नहीं रख सकते। हाँ। उसे घर जाना पड़ेगा। थैंक यू। हाँ। मैं बाद में मिलता हूँ। जरूर आएगी। आपका चार्टर ऑफ डिमांड समय मिल गया है, उसे अगले महीने बोर्ड के सामने रखा जाएगा। ये चाल नहीं चलेगी मिस्टर सरनायक, हमारे वर्कर्स इतना देर रुक नहीं सकता। और एक बात, हमारी जो खास मांगे हैं, एक, हर वर्कर की तनख्वाह में 350 रुपए की वृद्धि, दो, सभी वर्कर्स को एक ग्रेड का प्रमोशन, तीन, बोनस बढ़ाकर 25% दिया जाए, और इन मांगों के बारे में कोई सौदाबाजी नहीं होगी। आपने किस बेसिस पर ये मांगे की हैं? मैं मिस्टर सरनायक से बात करता हूं। हम आपकी मांगों पर कैसे बातचीत कर सकते हैं मिस्टर कृष्णन? आपका यूनियन अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं है। ये आपका प्रॉब्लम है, आप हमारे मांगे 2 हफ्ते के अंदर मंजूर कर लो, वरना हम इनडेफिनिट स्ट्राइक करेंगे। नोटिस। नमस्ते। कैसे हो तुम? हेलो दुर्वे। कृष्णन ने स्ट्राइक का नोटिस दे दिया। सारा काम ठप करा दे, क्रेन ऑपरेटर्स, मोल्डर्स, असेंबली के कुछ वर्कर्स उसके साथ, टूल रूम के भी। अगर हड़ताल हफ्ता भर भी चल गई, बहुत सारे वर्कर्स हमें छोड़ देंगे। शिवालिक के मजदूर ऐसे बेवकूफ नहीं है। इसमें बेवकूफी की क्या बात है? कृष्णन की मांगे काफी जोरदार हैं, और अगर ये कृष्णन जीत गया तो हमारा गेट पर खड़े रहना भी मुश्किल हो जाएगा। जीतेगा तो वो नहीं, लेकिन लॉकआउट या ले ऑफ करा दे। अरावली स्टील और महाराजा बॉल बेरिंग्स में भी रुस्तम पटेल इसी तरह से घुसा। हमें कुछ करना पड़ेगा, वरना। आप लोगों का क्या ख्याल है, क्या करना चाहिए? जो कुछ हो रहा है वो आप लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आप लोगों ने भी तो कुछ सोचा होगा। कृष्णन का हड़ताल तोड़ना चाहिए। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये हड़ताल कृष्णन की चाल है। वो चाहता है कि लॉकआउट हो जाए और कंपनी उसके साथ निगोशिएट करने के लिए मजबूर हो जाए, और ये हम किसी भी तरीके से होने नहीं देंगे। लेकिन ये आसान नहीं होगा। Oh!
पीछे जाओ, जाके उधर खेलो, कितनी बार बोला नहीं पढ़ा क्या तुमको, चलो जाओ उधर, दूर दूर खड़े रहो, चलो जाओ इधर से, बोला ना नमस्ते। रुको नहीं, नहीं। रास्ता दीजिए, आओ, अंदर कोई नहीं आएगा, पहले इनको कभी देखा नहीं है क्या? रखो, यहीं पर, हाँ। बाज उठ जाओ। संभाल के छोटे, संभाल के, हाँ? धीरे। शाबाश, लाओ लाओ। एक मिनट लाओ। अरे यहाँ क्या भीड़ लगा रखी है, हवा आने दीजिए, चलिए। ठीक है? तपन, वो बक्सा खोल देना। ले जाओ। ये चादर साफ क्यों नहीं रखा करते, एक मिनट। तो नहीं गया ना, ठीक है। गंदा ग्लास और ये प्लेट, जी मरीज के आसपास साफ सफाई होनी चाहिए, ये ले लीजिए। तपन वहां जाओ, अरे यहाँ क्यों भीड़ लगा रखी है, तमाशा है क्या, चलो जाओ जाओ भाई जाओ। मुको मुको, हाँ स्कूल गया था, सब ठीक है ना? एक मिनट, ये कंपनी की तरफ से। स्टेडी, ये तस्वीर देख रहे हैं आप, ये तस्वीर कंपनी के मैगजीन में छपी है, इसमें कंपनी की पेड सोशल वर्कर मिसेज अली छोटे लाल को एक बेड पेन और एक यूरिन पॉट भेंट कर रही हैं, और ये तस्वीर कंपनी ने बड़े गर्व के साथ छापी है, ये दिखाने के लिए कि वो अपने वफादार वर्कर्स का कितना ख्याल रखती है। क्या करती है कंपनी अपने उस वफादार वर्कर के लिए जो कंपनी का काम करते वक्त गिरा और जिसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, उसे ये टट्टी पेशाब का बर्तन पेश करती है। सरनायक साहब जो इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हैं और मजदूरों के मसले देखते हैं, उनका कहना है कि छोटे लाल स्किल्ड वर्कर है और उसकी तनख्वाह अभी अभी बढ़ाकर इतनी हो गई है कि ESIS और वर्कर्स कॉम्पनसेशन एक्ट के तहत उसके मुआवजे पर विचार नहीं किया जा सकता, और बीमे की दूसरी स्कीम के अनुसार छोटे लाल को कानूनन सिर्फ 10,000 रुपए का मुआवजा मिलेगा। कानून के नाम पर कंपनी कुछ भी कहे, हमें यह मंजूर नहीं, और इसके लिए हम अदालत के दरवाजे भी नहीं खटखटाएंगे। हमारे यूनियन ने हमेशा एक मजदूर की जिंदगी को इज्जत मिले इस बात को अहम माना है, छोटे लाल की बाकी जिंदगी आराम से कटे इस बात को हम सबसे ज्यादा महत्व देंगे। कानूनन कंपनी कुछ भी कहे, हमारी डिमांड है कि छोटे लाल को 30,000 रुपए का मुआवजा दिया जाए और उसकी शारीरिक हालत को देखते हुए उसे काम दिया जाए, जिसके लिए उसे उतनी तनख्वाह मिलनी चाहिए जितनी एक्सीडेंट के वक्त उसे मिलती थी। मैनेजमेंट कान खोल कर सुन ले कि हम किसी भी मजदूर भाई को बेबस और मोहताज नहीं होने देंगे। हम बोला था ना रुस्तम पटेल हमेशा करक चला देता करके, एक मिनट लगा क्या उसको बोलने को कि तुम्हारे को 75,000 रुपया मिलना मांगता, उसका बैकिंग होएगा तो हम 75 डिमांड करेगा और लेके रहेगा, बोलो। हाँ साहेब, लेकिन साहेब बड़े भैया से भी तो पूछे की जरूरत है। चलो तीस हजार रुपया, कितना दिन पूरेगा 30,000, दो बरस, तीन बरस, उसका क्या 30,000 कॉम्पेंसेशन ऐसा होना मांगा कि तुम्हारा भाई आखी जिंदगी आराम से रहेगा, तुम्हारे ऊपर बोझा नहीं होएगा, रास्ते पे भीख नहीं मांगेगा।
ले लो। रुस्तम साहिब बोलता तुम्हारे को 75,000 मिलना ही मांगा। हमारा यूनियन में आएगा 75 मिलेगा। वर्मा साहिब तो खुल्लम खुल्ला मांग कर दिए हैं साहिब। मांग किया तो क्या मिलेंगे क्या? 30,000 वर्मा का डिमांड भूल जाओ। तुम हमारे यूनियन में आएगा हम तुम्हारे वास्ते नया डिमांड करेगा। तथा कृष्णन साहब ठीक कहते हैं लेकिन वर्मा साहिब। वर्मा साहिब वर्मा साहिब क्या किया वर्मा तुम्हारे वास्ते? सोचता था तुम लोग अभी तलक। आंख खोलो। वर्मा का यूनियन कंपनी का चमचा है। वो तुम्हारे वास्ते नहीं लड़ेगा हम लड़ेगा। क्या आपके भाई की नीलामी हो रही है? पहले 30,000 फिर 75, कल को कृष्णन कोई और बड़ी रकम सुझाएगा तो 80-90 कुछ भी मांगोगे। हर चीज का एक तरीका होता है। हम अपनी मांगे पहले ही खुलेआम मीटिंग में ऐलान कर चुके हैं। हाँ साहिब हम तो सिर्फ आपकी सलाह लेवा आए रहे। तो सुनो अच्छी तरह समझ लो, अगर हम कानून के हिसाब से जाते तो छोटे लाल को सिर्फ 10,000 रुपए मिलते। हमने इससे तिगुनी मांग की है। इसके साथ ये भी मांग की है कि पुरानी तनख्वाह पर छोटे लाल को वापस कुछ काम दिया जाए ताकि वो किसी के सर पर बोझ न रहे। इंसान जिए तो सम्मान के साथ जिए। इसी उसूल की बुनियाद पर हमने मुआवजा मांगा है और वो हम लेकर रहेंगे। साहेब हमारी हालत भी तो आप देख ही रहे, का हम अपनी मांग बदल नहीं सकत? लक्ष्मण ठीक है साहिब, जो ना आप बराबर समझे, आप ही हमारे रक्षक हैं। देखा दादा कृष्णन साहब बिल्कुल ठीक कहते हैं, अपना यूनियन वाले अपना तकलीफ नहीं समझता। लेकिन वर्मा साहिब गलत नहीं कहें? नहीं दादा, हमें कृष्णन साहब का यूनियन में जुड़ जाए चाहिए। अपने दोनों जने का भी 25,000 रुपया मिल जाए। और दद्दा हम रुपया काहे ना लें, हमू तो तकलीफ उठाए रहे छोटों के संग। और दद्दा 30,000 रुपये में का बनत है? लक्ष्मण छोटों से तो पूछे पड़े।
हेलो माधव वर्मा हिया। हेलो मिस्टर वर्मा, अविनाश हिया। कहिए। छोटे लाल को फिर हॉस्पिटल ले गए हैं, कल रात अचानक उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। आप अगर हॉस्पिटल जा सके तो बहुत अच्छा होगा। मैं जाता खुद उसके पास, लेकिन आज फैमिली में एक फंक्शन है। वैसे मैं मिसेज अली को फोन कर रहा हूँ वहाँ जाने के लिए, लेकिन अगर आप भी जा सके तो ठीक है। थैंक यू अविनाश। बस दो मिनट। हेलो। हेलो, मिसेज अली से बात कर सकता हूँ? स्पीकिंग। मिसेज अली परांस पे है? यस मिस्टर परांस पे। माफ कीजिएगा, मैं इस वक्त आपको तकलीफ दे रहा हूँ। छोटे लाल को फिर अस्पताल ले गए हैं, आप भी अगर वहाँ पहुँच जाएं तो उनकी मदद हो जाएगी। उसकी हालत बहुत सीरियस हो गई है। ठीक है, मैं चली जाती हूँ। क्या बात है मिसेज अली? कुछ नहीं। डॉक्टर नहीं आया? सर डॉक्टर ये बोतल लगा के चले गए, फिर दिख भी नहीं कि कितनी देर हुई। 2 घंटा ज्यादा हो गया साहब, पहले तो एडमिट ही नहीं किया, 1.5 घंटा वही मां निकल गया। और वो कंपनी की सोशल वर्कर मिसेज अली नहीं आई अभी तक तो नहीं आई। सिस्टर डॉक्टर कहाँ है? आता है। कब आएगा? आपने बुलाया उसको? पता नहीं कहाँ गया, बॉय को बोला है। कब आएगा वो पेशेंट के मरने? आई एम सॉरी इट्स नॉट योर फॉल्ट, लेकिन आप कुछ कीजिए प्लीज। जो करना है वो तो कर ही रहे हैं, इससे ज्यादा क्या करेंगे बोलो। पहले तो आप उसे एडमिट नहीं कर रहे थे, अब उसे अटेंड नहीं कर रहे हैं। कहाँ तुम्हारा वो डैम डॉक्टर? मैं खुद उसको लेकर आता हूँ। कहाँ होगा वो? मुझे नहीं मालूम। क्या? क्वार्टर में होगा। क्या नाम है उसका? डॉक्टर कुलकर्णी, लेकिन मेरा नाम नहीं बोलना। डॉक्टर कुलकर्णी कौन है? यस, कहिए क्या काम है? चलिए। कहाँ? ड्यूटी पर, इमरजेंसी वार्ड में, जहां आपको 2 घंटे पहले होना चाहिए था। मरीज वहां मर रहा है और आप यहां बैठे ताश खेल रहे हैं। आप चलिए, मैं आता हूं। ये छोटे लाल शिवालिक इंजीनियरिंग से, वो उधर है पर्दे के पीछे। थैंक गॉड आप यहां हैं, मैं तो डर गई थी। क्यों, क्या वो? अब फुर्सत मिल गई आपको? 1.5 घंटे तक वो वार्ड के बाहर पड़ा रहा एडमिट होने के लिए। लेकिन मैं तो फोटोग्राफर की राह देख रही थी। आपको अपनी जिम्मेदारी का जरा भी ख्याल नहीं है? आपको मालूम है इस आदमी की जान जा सकती थी, इसलिए कि इसकी मदद करने वाला यहां कोई नहीं था। अब आप जा सकती हैं, इसकी देखभाल हम कर लेंगे। और हमने
मैनेजमेंट को बोल दिया है हमारे डिमांड्स के बारे में कोई सौदाबाजी नहीं होगी। मजदूर को अपना हक मिलना ही मांगता है और उसके लिए हम लड़ने को तैयार है। ये स्ट्राइक वही लड़ाई है, मजदूर का हक का लड़ाई। और एक बात, हमारा मजदूर भाई छोटे लाल के बारे में आपको मालूम है, वो गिर पड़ा ड्यूटी करते टाइम, मैनेजमेंट का दिया काम करते टाइम गिरा, वो गिरा और घायल हुआ। ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। मैनेजमेंट क्या करता, मैनेजमेंट कानून का बुक दिखाता और बोलता छोटे लाल को 10,000 रुपए मिलेगा, एक पैसा ज्यादा नहीं, सिर्फ 10,000। आधा बॉडी घायल हो गया, खत्म हो गया, फिर भी सिर्फ 10,000। हम ऐसा कानून पर थूकता है। हमारा कॉम्पेंसेशन का डिमांड 75,000 रुपया। हम छोटे लाल के वास्ते 75,000 लेके रहेगा, 75,000। मैनेजमेंट सीधा सीधा देगा तो ठीक, नहीं देगा तो रुपया कैसा निकालने का हमको मालूम। 75,000, एक पैसा कंपनी नहीं लेगा। रुस्तम पटेल जिंदाबाद, राजू जिंदाबाद, पटेल जिंदाबाद, कृष्णन राजू। रामशरण का कहना है कि उसने कृष्णन को मुआवजा बढ़ाने की सहमति नहीं दी और मैं उसका विश्वास करता हूँ। अब मांग बढ़ाना ह्यूमिलिएटिंग होगा। सब लोग पूछेंगे कि आपने पहले ही बड़ी रकम क्यों नहीं मांगी। वजह ढूंढी जा सकती है। वो अनैतिक होगा। हम क्यों ऐसे शॉर्टकट्स लें और काम निकालने के लिए सिद्धांतों का खंडन करें। देखो माधव, हमें लड़ाई का तरीका, मैदान और हथियार चुनने की पूरी आजादी नहीं होती। दुश्मन का स्वभाव और ढंग देख समझ कर ही इन चीजों का चुनाव करना पड़ता है। और यह भी है कि वर्कर इनडायरेक्ट फायदों की बजाय बड़ी रकम को ज्यादा अहमियत देता है। ये आप कैसे कह सकते हैं? हमें अपना दृष्टिकोण वर्कर्स के सामने रखना चाहिए और उनका समर्थन हासिल करना चाहिए। रुस्तम पटेल के अपना दृष्टिकोण बताकर वर्कर्स का समर्थन हासिल करता है। वर्कर्स उसके पास जाते हैं क्योंकि वो उनको ज्यादा पैसे दिलाने का लालच देता है। तो क्या हम भी रुस्तम पटेल बन जाएं, उसी के तरीके अपनाएं और वर्कर्स को जागृत करने की जिम्मेदारी भूल जाएं? ये मैंने कब कहा? लेकिन जागृत करने के लिए वर्कर्स साथ तो होने चाहिए और उनका विश्वास तभी हासिल होगा जब हम छोटे से छोटा संघर्ष भी जीत के दिखाएंगे। मुआवजा बढ़ाकर 1,00,000 मांगो। छोटे लाल की बिगड़ती हुई हालत सही वजह है। कॉमरेड, युद्ध का एक ही उद्देश्य होता है, विजय। छोटे लाल की तबीयत फिर बहुत बिगड़ गई है और डॉक्टर्स ने साफ साफ बता दिया है कि छोटे लाल हमेशा के लिए अपाहिज हो गया है और कंपनी को इसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। छोटे लाल की बिगड़ती हालत को देखते हुए आपके यूनियन ने तय किया है कि छोटे लाल के मुआवजे की रकम बढ़ाई जाए, उसे कम से कम 1,00,000 रुपया मुआवजा मिलना चाहिए। उस रकम को बैंक में जमा करवाने पर जो ब्याज मिलेगा वो छोटे लाल की तनख्वाह के बराबर होगा जो एक्सीडेंट के वक्त उसे मिलती थी। इससे कम रकम हम स्वीकार नहीं करेंगे। छोटे लाल को 1,00,000 रुपए का मुआवजा देना होगा और वो हम लेकर रहेंगे।
कुछ लोग छोटे लाल के मुआवजे को लेकर मजदूर भाइयों में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये सस्तापन है, छोटापन है। आपको मालूम होगा इसके पीछे किन लोगों का हाथ है, कैसे लोगों का हाथ है, जो एक मजदूर की जिंदगी के सवाल को इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, वो मजदूर की भलाई क्या करेंगे। कृष्णन राजू, रुस्तम पटेल।